ने टिप्पणी में कहा दिस कैन नॉट बी टर्म एज एन इनकाउंटर, तो क्या ये हत्या है, ये पॉलिटिकल किलिंग है? अनम्यूट कीजिए मैम प्लीज। सभी को नमस्कार और आपने मुझको बुलाया शो पर, उसके लिए धन्यवाद। आपका मैंने प्रवचन सुना 10 मिनट का, लेकिन मुझे ये बड़ा दुख हुआ कि एक भी संवेदनशील शब्द आपने हमारी पुलिस के लिए यूज नहीं किया। क्या महाराष्ट्र और बंबई पुलिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड इफ नॉट इंडिया? एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं। एज फार एज द पुलिस इज कंसर्न और हाईकोर्ट इज कंसर्न, जरूर हम जवाब देंगे, द मैटर इज सब जुडिस, उसका जवाब भी मिले। लेकिन इन दौरान हम ये तो तय कर दें कि हम ये अक्षय शिंदे, एक क्रूर जिसने क्रूर और घिनौनी हरकत की है, उसको हम शहीद का दर्जा ना दे, लेट्स नॉट मेक अ मार्टीर आउट ऑफ इट। द सर्कमस्टेंसेस आप देखेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी, एनकाउंटर प्लान नहीं किया जाता है मेरी बहन, हो जाते हैं, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस इन सेल्फ डिफेंस। ये लेकिन सुसी बेन, क्या ये प्लांट मर्डर ही है क्या? और ये मैं नहीं कह रही हूँ सुसी बेन, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल जेन्युइन ग्राउंड पर आकर मुझे बताइए। हमने ये अदालत ने कहा, आत्मरक्षार्थ की ही धज्जियां उड़ाई अदालत ने? नहीं नहीं, हम बिल्कुल हम अदालत की अमान्य रखते हैं, मुझे सम्मान है और हम रखेंगे, लेकिन जो मैंने आपका सरमन सुना 10 मिनट, मुझे 3 मिनट तो बोलने दिया जाए। जिस प्रकार से आपने सरमन रखा, आपने तय कर दिया है कि गुनी कौन, गुनेगार कौन, तो पुलिस, शहीद कौन हुआ, तो एक क्रूर अपराधी। आपके जो कैप्शन भी है, मुझे लगता है यू डिसाइडेड कि हमें यह तय कर देना है कि हमारे पुलिस बेकार है, बेनाम है, और एक अपराधी, एक अत्याचार करने वाला अपराधी जो पुलिस पर फायरिंग करे, तो पुलिस को शहीद होना चाहिए एक रेपिस के द्वारा। सुसी बेन, मुझे तो डॉक से निकाल दीजिए। सुसी बेन एक सेकंड, गरिमा सिंह को डॉक से निकाल दीजिए। गरिमा सिंह इज नोवेयर एंड दिस इज द रिमार्क ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। सुसी बेन एक सेकंड, आप मुझ पर ये सब अपना दाना पानी लेकर मत आक्रामक होइए। मैंने एक एक हर्फ जो पढ़ा वो पंजाब हाई कोर्ट का, माफ कीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी के तौर पर पढ़ा। आपका ही नियम है कि एक जन बोले तो मैं बोलती हूँ, तो आप इंटरवीन ना करें, आप बोले तो हम बिल्कुल सुने। सो अलाउ मी टू कंप्लीट, प्लीज डोंट इंटरवीन। मुझे इतना ही कहना है मेरी बहन कि ये जो पूरा मामला था, महाराष्ट्र पुलिस को एनकाउंटर करने की बिल्कुल जरूरत। हमने एसआईटी स्थापित की थी, इट वाज अ फुल प्रूफ चार्जशीट, वाटर टाइट केस, ये भी तय हुआ था। जारे जो पुराने थे बिल्कुल भक्कम थे अगेंस्ट अक्षय शिंदे, जो हमारी छोटी बच्चियां थी जिसके पर घिनौनी अत्याचार हुआ था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कि कौन आरोपी था। उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हमने किया था, उसमें क्लियरली ये तय होता था कि एकदम ये साइकोलॉजिकली डिमेंटेड है, एकदम क्रूर व्यक्तित्व है। फेयर पॉइंट मैडम, हला 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्लीज कैरी ऑन। तो हमें बिल्कुल हत्या करने की जरूर नहीं थी। वी वर गोइंग टू द कोर्ट, 24 साल का आदमी, उसकी दो बीवियां, दोनों बीवियों ने डिवोर्स दिया है बिकॉज ऑफ अननेचुरल सेक्स अगेंस्ट दैट मैन। लेकिन क्या सुसी बेन अदालत है ना, तो अदालत सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस, भारत न्याय संहिता है ना। मैं तो सीधे जो कोर्ट ने टिप्पणी की उस पर आ जाइए। अब आप सुसी बेन, कोर्ट ने कहा दिस कैन नॉट बी टर्म एज एन एनकाउंटर। संजय शिंदे जो एसआई है, ही इज वेरी वेल ट्रेन्ड ऑफिसर, ही नोज हाउ टू फायर, वेयर टू फायर। द पुलिस, द होम मिनिस्टर विल सूटेबली रिप्लाई to all the queries, the High Court is well within his powers to ask us questions and we will suitably reply. लेकिन आप समझिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो दोगलापन दिखा रहे हैं, आप उनको पूछिए जरा, हमारे कांग्रेस के यूबीटी के हैं कि नहीं, कि एक मनसुख हिरानी, एक हमारा बिजनेसमैन था, he was killed by cold blood by सचिन वाजे। क्या कोई भी, जब यूबीटी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी थे चीफ मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने, कोई ने भी, किसी ने भी
आक्रोश जताया, कोई बोले, कोई कोर्ट में गया, जिल्च, नंबर वन। नंबर टू, तेलंगाना में जब हुआ था, आप सब जानते हैं, एनकाउंटर हुआ था अगेंस्ट अ डॉक्टर, ही वाज हॉरिबली रेप्ड, तब उनके ही माउथपीस सामना में उनको जश्न मनाया था, उनका उनकी तारीफ की। तीसरी बात, आप ये पूछिए पैनलिस्ट को, तमिलनाडु में अभी 3 एनकाउंटर हुए, ये अघाड़ी जो बिगाड़ी है, हाँ कुछ बोला उन्होंने? जो हैदराबाद का न्यायिक आयोग गठित हुआ हैदराबाद के मामले में, बिल्कुल 30 साल का रिकॉर्ड लेकर बैठी हूँ सुशी बेन, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ट्रायल ना करें। पहले आप महाराष्ट्र पर आइए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा, इतना ही कहना है, संजय शिंदे का भाई बयान है ना, रिकॉर्डेड बयान है संजय शिंदे का, कि अक्षय शिंदे ने 3 गोलियां मारी, एक गोली एपीआई को लग गई, नीलेश मोरे को 2 गोलियां, कहां गई? आप गए हैं क्या? मैं आज थाने में थी, हमारी ट्रेनिंग थी पुलिस के साथ, आई एम ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन, तो हमने ट्रेनिंग सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस एक ट्रेनिंग रखी थी पुलिस की थाना में, ग्रामीण और रूरल, एंड आई वेंट टू द हॉस्पिटल वेयर ऑल द बोथ द पीएसआई वर देयर। आप देखिए उनको, इनकी क्या हालत है, क्या वो पागल हो गया है कि खुद के जांग में गोली मारेगा? और अभी हमने आपके एसपी, अरे भाई तो मैं वही तो कह रही हूँ सुशी बेन, अगर सुशी बेन एक सेकंड, बी ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड ना, एसआई के लेवल का वो ऑफिसर हैं हमारे संजय शिंदे, जिनके सम्मान में पटाखे फोड़ रहे हैं आप, जो ये नहीं जानते हाउ टू फायर एंड वेयर टू फायर। यू टेल मी दिस, अ सिंपल रिक्वेस्ट, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द पुलिस who are serving and protecting city of Mumbai and Maharashtra. मतलब political killing का, political killing की पुलिस को इजाजत दे दे। एक वैन है, कितना 10x8 की होगी, 12x8 feet की वैन होगी, 4 पुलिस वाले हैं, हथियारों से लैस हैं, आपके पर फायरिंग होती है, पिस्टल से वो अनलॉक भी हो जाती है, पिस्टल फायर भी हो जाता है, 2 गोलियां कहां जाती हैं ये भी नहीं पता, और बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें पुलिस को। एक अपराधी जब आपके पर फायरिंग करता है, आप क्या सोच के बैठेंगी कि माथा पर लगाएं कि पांव पर लगाएं? आई वुड से व्हाई नॉट द हेड, ही इज फायरिंग अगेंस्ट आवर पुलिस, हम क्यों बोल रहे हैं? इट इज इन सेल्फ डिफेंस। और ये ही दोगला, ये ही अगाड़ी बिगाड़ी सचिल वाजे, he's a known encounterist, जिसने हमें, हमने उनको सस्पेंड किया था, he was reinstated and he killed a businessman, मनसुख हिरानी, आत्मरक्षार्थ, सिर पर गोली चला दी। जब आप पूछे, अदालत ने पूछा, एक अफसर एपीआई स्तर का अफसर हम नहीं मान सकते, एपीआई अफसर को नहीं पता है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के लेवल के ऑफिसर को नहीं पता है कि कहां गोली मारनी। व्हेन अ पर्सन विद अ मेंटालिटी, इतना क्रूर घिनौना करने वाला अपराधी आपके पर फायरिंग करता है, क्या आप सोचेंगे कि किधर करूं? आई सेड व्हाई नॉट, विक्रम सिंह, सो आई एम कमिंग डायरेक्टली टू यू, व्हाई नॉट द हेड, माय क्वेश्चन इज दैट कोर्ट ने